हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋषि जैन। आई होप आपने मेरी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट जो टू वीडियोज हैं रिलेटेड टू द ड्रिफ्ट कॉन्सेप्ट एंड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर आपने जरूर देखी होंगी, बिकॉज अगर आपने वो वीडियोज अच्छे से वॉच करी होंगी देन तभी आप आगे जो आर्टिकल है हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज हम जो नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और है भी इजी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मींस हमने यहाँ पे रिलेशन ड्राइव करने हैं बिटवीन करंट आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस वीडी, इन दो पैरामीटर में रिलेशंस निकालने हैं। वो आप कैसे निकालोगे, यहां पे मैंने एक कंडक्टर कंसिडर किया, ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इसके क्रॉस ये मैंने पोटेंशियल अप्लाई किए। मैं मान लेता हूं लेट स्मॉल एल बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब होगा क्या, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल है इसकी वजह से यहां पे पॉजिटिव एस्टेब्लिश होगा और इस नेगेटिव की वजह से यहां पे क्या होगा, नेगेटिव एस्टेब्लिश होगा। आपको ये चीज पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होंगे, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की साइड क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे विद देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मींस वो ड्रिफ्ट होंगे इस साइड। अब देखिए इसका मैं डेरिवेशंस का इस रिलेशंस को ड्राइव करने का एक सिंपल सा मेथड बताता हूं। आपको ये चीज पता है कि करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। आपने क्या करना है, यहां पे चार्ज फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, दोनों को पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। अब टोटल चार्ज आप कैसे निकालोगे, मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं एन इक्वल टू क्या है मेरे पास, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं इसका एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करूं तो इसके एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन। मींस एन इज अ सिंपल नंबर डिवाइड बाय वॉल्यूम, मींस दिस इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं चार्ज कैरियर, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, वही हमने क्या किया है कंसीडर किया। अब स्टूडेंट देखिए कि मेरे पास ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन। तो टोटल वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बिकॉज इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू एल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, एन इंटू ए इंटू एल। बिकॉज अगर यूनिट वॉल्यूम के अंदर स्मॉल एन है तो टोटल वॉल्यूम के अंदर क्या होंगे, एन इंटू ए इंटू एल, हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है स्मॉल ई, तो दो के ऊपर कितना होगा, टू ई, थ्री के ऊपर कितना होगा, थ्री ई, फोर के ऊपर कितना होगा, फोर ई, इसी टाइप से होगा। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होगा, एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, मीन्स टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर वो कितना आ जाएगा, एन ए एल इंटू ई, ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। अब बात आती है टाइम की। अब आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वेलोसिटी। अब यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, एल, वेलोसिटी कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वेलोसिटी। तो मेरे पास टाइम भी है चार्ज भी है, दोनों को डिवाइड कर दूं तो करंट यहां से क्या आ जाएगा, करंट इक्वल टू चार्ज कितना है हमारे पास, एन ए एल ई डिवाइड बाय एल डिवाइड बाय वी डी। एल एल विल बी कैंसल आउट, नाउ यू विल गेट आई इक्वल टू एन ए ई वी डी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू एन ई ए वी डी।
ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगी बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। है कुछ नहीं, जस्ट टोटल चार्ज और टाइम फाइंड आउट किया, दोनों को डिवाइड किया, तो हमारे पास ये रिलेशन आएगी। अब स्टूडेंट, अगर पेपर में डेरिवेशन आती है तो आपने यहीं तक करके आनी है, बट मैं आगे इसका एक स्पेशल केस आपको बता रहा हूं कि जो रिलेशन हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको पता है कि वी डी जो हमने ड्राइव किया था वो आपके पास किसके इक्वलेंट है, ई टाउ बाय एम, तो आप यहां पे पुट कर सकते हो आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी का वैल्यू पुट किया ई टाउ बाय एम, ये हमारे पास आ गया। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाय एम, ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपके पास, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, I इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए, E का वैल्यू मैंने V पुट किया और यहां पे टाउ है डिवाइड बाय एम एल, तो आपके पास क्या आ गया यहां पे, एन ई स्क्वायर ए टाउ वी बाय एम एल। या आप ये मतलब ये रिलेशंस हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो हमें आगे याद रखनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या आता है, एन ई स्क्वायर ए वी टाउ बाय एम एल, मतलब आपको जस्ट चेंजेस करने आने चाहिए, ड्राइव तो यहीं तक करनी है। बीडी का वैल्यू क्या होता है, ई टाउ बाय एम, जस्ट हमने वो पुट किया, फिर उसके बाद हमारे पास ये आ गया। ई क्या होता है, वी बाय एल भी पुट कर सकते हो, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स?